फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और ये ब्लॉग बहुत ही छोटा होने वाला है क्योंकि इस वाले ब्लॉग में मैं शेयर करने वाली हूँ गाजर का हलवा, वो भी कुकर में बनाने का। तो आज बहुत दिन के बाद फुर्सत में हूँ तो मम्मी सुबह कद्दूकस कर दी है गाजर को, तो मैं जा रही हूँ उसको बनाने। तो फिर देखिएगा पूरा वीडियो ब्लॉग, अगर अच्छा लगेगा मेरा तरीका गाजर का हलवा बनाने का तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी गाजर का हलवा खाने में बहुत मज़ा आता है, मतलब दिल खुश हो जाता है स्वीट डिश में अगर गाजर का हलवा मिल जाए तो। तो चलिए, कहाँ चलना है, किचन में, किचन एरिया में चलते हैं। बहुत लंबा ब्लॉग को नहीं खींचूंगी, थोड़ा सा ही 2-3-4 मिनट में ब्लॉग को ख़त्म कर दूंगी, कुछ खास नहीं आज के एक्टिविटी के लिए। इसलिए चलिए फिर किचन में चलते हैं। आया राम गया राम। तो चलिए किचन में चलते हैं। तो इसमें है कद्दूकस किया हुआ लगभग 1 kg गाजर, और यहाँ है सुधा का फुल क्रीम दूध। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पूरा कद्दूकस किया हुआ गाजर कुकर में ट्रांसफ़र करने वाली हूँ, और इसमें 1 लीटर दूध जो है वो कट करके डालूँगी, कच्चा दूध डालूँगी, बॉईल किया हुआ नहीं डालूँगी, और कुकर को बंद करके फिर सीटी लगा दूँगी। तो ये लगभग 1 लीटर दूध है और 1 kg गाजर है, और तो कढ़ाई गरम हो गया है और यहाँ साइड में बन रहा है भूचा चूरा और मटर का। अब इसमें जाएगा घी, यहाँ पे घी है लगभग 1 पाव। तो कुछ ऐसा हो गया है ये बॉईल करने के बाद, और अब मैं इसको ट्रांसफ़र करूँगी कढ़ाई में। घी गरम हो चुका है तो इसमें मैं ट्रांसफ़र करके इसको भूनने वाली हूँ। इसमें मैं डालने वाली हूँ ग्रेट किया हुआ काजू और बादाम। तो हलवा लगभग 70% कुक हो चुका है, तो अब इसमें जाएगा ये बादाम और काजू, और किशमिश लास्ट में ऐड होगा। अब इसमें जाएगा ये चीनी। चीनी चाहे तो पहले भी ऐड कर सकते हैं, चाहे तो बाद में भी ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्जी। और अब मैं लेके आई हूँ ये पेपर, और उस पर मैं क्रश कर रही हूँ इलायची को, क्योंकि वो उखल में नहीं हो पाता उतने अच्छे से मुझसे, इसलिए मैं पेपर पे ही कर रही हूँ क्रश करके, फिर इसमें मिक्स कर दूँगी। और अब इसमें जाएगा, देखिए घी बाहर आ चुका है, अब इसमें जाएगा किशमिश, ये लास्ट है। बताओ कैसा लगा, ऑनेस्ट रिव्यू देना। अच्छा, मीठा? मीठा ठीक है। ठीक है, बढ़िया लग रहा हो? हाँ। सही से बोल। सही बोल रही हूँ। तो सब्सक्राइबर के अच्छा लगता है? हाँ? अच्छा लगता है। तो मम्मी खा रही है गाजर का हलवा, मैं भी जा रही हूँ खाने, टेस्ट करती हूँ फिर बताऊँगी आप लोगों को कैसा लगा। वैसे मम्मी ने ऑनेस्ट रिव्यू दिया है, और ये वाला गाजर का हलवा मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ इस तरीके से बनाना, क्योंकि जल्दी बन जाता है, सब कुछ ईजिली अवेलेबल हो जाता है इसलिए, नहीं तो खवा वगैरह डाल के भी बना सकते हैं। खैर, मैंने मेरा जो तरीका है वो आप लोगों से शेयर किया है, तो उम्मीद करती हूँ ये वाला वीडियो ब्लॉग अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो यहीं तक रखती हूँ ब्लॉग को, यहीं पर वाइंड अप करती हूँ। बहुत छोटा सा ब्लॉग रहेगा कि गाजर का हलवा कैसे बनाना चाहिए कुकर में। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। और अगर आप लोग चैनल पे, मेरे चैनल पे नए हैं, नए व्यूअर हैं, तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और लाइक एंड शेयर करना भी ना भूले। सो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।